ये कांग्रेस लोग जब वोट बटालने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानती जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। आप कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है? आपको दिखाई नहीं देगा। किस लिए? बहुत सारे ये है। ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया, और इसी जैसे हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोलते हैं हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकाइट अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकाइट क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। किस लिए? आप लोग कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। आपने इंडिया का नाम में परिवारवाद बढ़ाने का काम किया। आपने इंडिया का नाम में देश को तोड़ने का काम किया। तो आपको इंडिया नाम लेने का भी अधिकार नहीं है, और भारत का नाम तो दूर दूर से भी मत लेना। ये तो सबसे बड़ा बात है। ना आपको इंडिया बोलने का अधिकार है, ना आपको भारत बोलने का अधिकार है। और मेरा तो विनम्र निवेदन है, राहुल जी आप कम से कम गांधी नाम छोड़ दीजिए। किस लिए? वो भी तो डुप्लीकेट टाइटल है, वो भी तो ओरिजिनल टाइटल नहीं है। तो ये डुप्लीकेट काम करते 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 आज तक ये 75 साल तक हमारा देश को एक प्रकार पूरा की पूरा जो हमारा समता था, हमारा जो एक विश्व में हमारा जो स्थान होना चाहिए उससे हमको दूर रखा।